हेलो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं तीन लाइटवेट नॉन प्लेटेड अप टेम्पो रनिंग शूज़ को, जो है ब्रुक्स हाइपेरियन मैक्स, न्यू बैलेंस रिबल V3 और होका मार्क 5। ये तीन शूज स्पेशलाइज करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस फास्टर वर्कआउट्स पे। स्केचर्स रेजर 4 भी इसी कैटेगरी में आता है, पर हमने उसे कंसिडर नहीं किया दो रीजन से। एक कि उसमें कार्बन इन्फ्यूज प्लेट है, और दूसरा वो काफ़ी फर्म और डल लगा इन शूज़ के मुकाबले। अगर आप कार्बन प्लेटेड शूज ट्रेनिंग के दौरान पहनना पसंद नहीं करते तो ये तीन शूज जनरली अच्छे ऑप्शन हैं आपके कंसिडरेशन के लिए। अगर आप स्पेसिफिकली कार्बन या TPU प्लेटेड ट्रेनर्स में इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो का लिंक यहाँ या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। हमने 9 कैटेगरीज डिसाइड किए हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगी। इन्हीं कैटेगरीज में हम एक विनर चुनेंगे और टोटल स्कोर के हिसाब से ओवरऑल विनर भी डिसाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु, और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। ब्रुक्स हाइपेरियन मैक्स की स्टैक हाइट है 34 मिलीमीटर हील पे, 26 मिलीमीटर फोरफुट पे, और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज 9 में इसका वेट है 207 ग्राम, और इंडिया में ये आता है 16,999 रुपए का। हाइपेरियन मैक्स में DNA फ्लैश मिडसोल का इस्तेमाल हुआ है, जो एक नाइट्रोजन इन्फ्यूज्ड सुपर क्रिटिकल EVA है। अपर स्ट्रेच वीव मटेरियल का बना है, और आउटसोल में ग्रीन रबर डाली गई है सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर। न्यू बैलेंस रेबल V3 की स्टैक हाइट 29.5 मिलीमीटर हील पर, 23.5 मिलीमीटर 4 फुट पर, और ड्रॉप है 6 मिलीमीटर। वेट है इसका 209 ग्राम, और इंडिया में आता है 13,999 रुपए का। इसके मिडसोल में फुल लेंथ फ्यूल सेल कंपाउंड का इस्तेमाल किया गया है। अपर डुअल लेयर्ड इंजीनियर्ड मेश का बना है, और आउटसोल में एंड्यूरेंस रबर डाली गई है। होका मार्क 5 की स्टैक हाइट है 29 मिलीमीटर हील पर, 24 मिलीमीटर 4 फुट पर, और ड्रॉप है 5 मिलीमीटर। मेन साइज 9 में इसका वेट है 232 ग्राम, और इंडिया में यह आता है 12,999 रुपए का। होका मार्क 5 का मिडसोल डुअल डेंसिटी फोम का बना है। ऊपर का लेयर सुपर क्रिटिकल EVA फोम है, और नीचे रबराइज्ड EVA का इस्तेमाल किया गया है, जो आउटसोल का भी काम करता है। अपर क्रील जगार्ड मेश का बना है। तो शुरू करते हैं पहले क्राइटेरिया से, जो है वेट। तीनों शूज बहुत ही लाइटवेट टेम्पो ट्रेनर्स हैं, और ऑन फीट इनका वेट सिमिलर लगता है, पर हाइपेरियन मैक्स और रेबल में सिर्फ 2 ग्राम का डिफरेंस है, इसीलिए इस सेगमेंट में हमने इन दोनों को विनर चुना है। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है फिट और लॉकडाउन। जो डिसएडवांटेज मार्क 5 को वेट में मिला, वो यहाँ एडवांटेज की तरह प्ले करता है। एक्स्ट्रा वेट से एक्स्ट्रा पैडिंग मिलती है, जिससे लॉकडाउन बेहतर होता है। फिट तो होका शूज के मार्केट लीडिंग है ही, हाइपेरियन मैक्स भी इस सेगमेंट में काफी क्लोज है, पर रिबल का फिट परफेक्ट नहीं है, उसमें हमें साइज अप करना पड़ा। तीसरा क्राइटेरिया है अपर कंफर्ट और ब्रीदेबिलिटी। वेट सेगमेंट की तरह इसमें भी हाइपेरियन मैक्स और रिबल कंपेरेबल हैं, पर हाइपेरियन सिंगल लेयर मेश का बना है, और रिबल डुअल लेयर का, और डिफरेंस मिनिमल होते हुए भी नोटिसेबल है। कंफर्ट टेम्पो ट्रेनर्स में उतना प्रायोरिटी नहीं रखता, इसलिए विनर है हाइपेरियन मैक्स। हमारा चौथा क्राइटेरिया है मिडसोल एनर्जी रिटर्न। तीनों शूज का मिडसोल अप्रोच बहुत ही डिफरेंट है, और इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने इनके रिव्यू में दिया है। इन शॉर्ट, रिबेल और हाइपेरियन मैक्स के सुपर क्रिटिकल फोम्स यहाँ भी आसपास हैं, पर विनर होगा रिबेल, क्योंकि फ्यूल सेल का बाउंस और प्रोपल्शन बेहतर है। ऑल्दो इन दोनों में से आप कोई भी शो चूज कर सकते हैं, ये इतने अच्छे हैं। पांचवा क्राइटेरिया है मिडसोल कंफर्ट। इस कैटेगरी के लिए हमने तीनों शूज साइड बाई साइड एक एक करके पहना। हाइपेरियन मैक्स तीनों में सबसे फर्म है, जिसके कारण ये स्नैपी है, पर सॉफ्टनेस में फुल लेंथ फ्यूल सेल होका के डुअल डेंसिटी मिडसोल से ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। ये आपके लॉन्गर सेशंस में अच्छा साथ देगा, और ओवरऑल फिटी कम होगी। अब बारी आती है आउटसोल ग्रिप की। ऑल्दो मार्क 5 में आउटसोल रबर नहीं डाला गया, ग्रिप बुरी नहीं है। इसके कंपैरिजन में रिबेल और हाइपेरियन मैक्स बेहतर है रबर होने के कारण, पर ओवरऑल कवरेज और स्पेसिफिकली आउटसोल पैटर्न हमें हाइपेरियन का बेहतर लगा, और वो इस सेगमेंट का विनर है। सातवां क्राइटेरिया है ड्यूरेबिलिटी। जहां तक ड्यूरेबिलिटी का सवाल है, होका का सबसे बड़ा वीकनेस है आउटसोल रबर ना देना, और 300 किलोमीटर के बाद काफ़ी वेयर एंड टेयर दिखता है। रिबल की भी ड्यूरेबिलिटी खास नहीं होगी, क्योंकि सॉफ्ट रेजिलिएंट फोम्स जल्दी कंप्रेस होते हैं। विनर है हाइपेरियन मैक्स, पर इससे भी हम कुछ एक्सेप्शनल ड्यूरेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आठवां कैटेगरी है वर्सेटिलिटी। ये शूज टेम्पो ट्रेनर्स हैं, लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए नहीं डिजाइन किए गए, फिर भी सरप्राइजिंगली तीनों शूज लॉन्ग रन्स पे अच्छे परफॉर्म करते हैं। मैंने लद्दाख मैराथन रिबेल पे किया, और उसके पहले प्रैक्टिस रन्स में मैंने हाइपेरियन भी टेस्ट किया। दोनों में से मुझे रिबेल बेहतर ऑप्शन लगा,
कंफर्ट के कारण, इसीलिए विनर है रिबेल V3। आखिरी और नौवा कैटेगरी है प्राइस। MRP की बात करें तो Mark 5 आता है 13,000 का, रिबेल 14,000 का और Hyperion Max 17,000 का। पर अगर परचेज प्राइस देखें तो हमने होकर लिया 7,000 का, Hyperion Max 6,500 का और रिबेल सिर्फ 5,400 में। विनर है रिबेल। पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि सेल के दौरान ये प्राइसेस वेरी कर सकते हैं। तो फाइनली रिबेल V3 पांच कैटेगरीज में जीता, Hyperion Max 4 में और होका Mark 5 1 में। एट द एंड ऑफ द डे रिबेल का मिडसोल हमें Hyperion से स्लाइटली सुपीरियर लगा, स्पेशली अपने सॉफ्टनेस के कारण, पर दोनों बहुत बहुत क्लोज हैं। होका Mark 5 में आउटसोल ना होना और बाउंस या स्प्रिंग की कमी उसके सबसे बड़े वीकनेस है। तो ये था हमारा कंपैरिजन ब्रुक्स Hyperion Max, न्यू बैलेंस रिबेल V3 और होका Mark 5 का। इन शूज का डिटेल रिव्यू हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।